इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन ऐसे रहेगा, 2 sin x + cos x / 2 dx, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना। हाँ, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, तब इसको स्प्लिट किया जा सकता है। स्प्लिट करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, 2 sin x dx + cos x / 2 dx। अब फिर इंटीग्रेशन का साइन, राइट, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, sin x dx, और यहाँ पर 1/2 बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x dx, राइट। एंड साइन एक्स को तुम इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है, -cos x, राइट, राइट -cos x + 1/2। एंड cos x को इंटीग्रेट किया जाएगा तो मिलता है साइन एक्स, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, ये हो जाएगा -2 cos x + 1/2 sin x + c। ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन दिया है तुमको, 2 ln x + e की पावर x dx। अब इसे इंटीग्रेट करना है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 ln x dx + इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। अच्छा, यहाँ पे 2 ln x, तो ln x का तुमने को पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को चेंज करके तुम लिख दो 2 by x। क्या लिख दोगे, 2 by x लिख दो, क्योंकि 1 by x का होता है ln x। ऐसे यहाँ से बहुत ध्यान से देखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 by x dx + e की पावर x dx, ये हो जाएगा 2 ln x, क्योंकि 1 by x का भी मैंने बताया था ln x होता है, e की पावर x का e की पावर x ही रह जाता है, +c।